हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी बादाम के तेल से अपने आईज़ की जो है वो मसाज कैसे करें। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पर डाबर का बादाम तेल, जो 100% नेचुरल है, और ये 25 ml इसकी क्वांटिटी है। 100 rupees का ये मुझे पड़ा है। 2 years इसका जो है एक्सपायरी डेट है, 2 साल तक ये, 2 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। एंड इस पर लिखा हुआ है कि इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, एंड यूसेज में दिया हुआ है कि 5 to 10 ml टू बी टेकिन प्रिफरेबली विथ 1 glass ऑफ मिल्क। तो आप इसको पी भी सकते हैं। और बादाम का तेल आपकी स्किन, हेयर और बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो फुल बॉडी इससे मसाज कर सकते हैं, बट मैं आँखों के लिए आपको बता रही हूँ कि आप बादाम के तेल से अगर अपने आँखों की मसाज करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और आपको कैसे मसाज करना है मैं बताती हूँ, और साथ ही साथ अपने आईब्रो के हेयर्स पे भी अगर आप बादाम के तेल को अप्लाई करते हो तो इससे आपके जो है बाल जो बहुत घने होते हैं आईब्रोज़ के और थिक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, मैंने बादाम का तेल लिया है, मैंने पहले अपनी आँखों पे, आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, जैसे कि आप मेकअप करते समय अप्लाई करते हो ना, जस्ट लाइक दिस। आप फुल फेस मसाज भी बादाम के तेल से कर सकते हो, मैं आपको वो भी बताती हूँ, लेकिन मैं पहले आईज का बता रही हूँ। तो स्पेशली मैं यहाँ आईज को ज़्यादा फोकस करूँगी। तो गाइस, विंटर्स में हमारे फेस को, हमारी एक्चुअल होल बॉडी को, हमारी स्किन को नरिशमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमें बॉडी को नरिशमेंट देने के लिए ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हमें ऑयलिंग करनी चाहिए, और बादाम का तेल इज़ अ परफेक्ट मॉइस्चराइजर, स्पेशली इन विंटर्स टू फॉर योर हाइड्रेटेड योर स्किन। यह आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेटेड रखता है। और अगर आप बादाम के तेल से रेगुलर मालिश करते हैं अपने शरीर की तो आप वह खुद महसूस करें, लेकिन स्पेशली विंटर्स में मैं बादाम का तेल ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और स्पेशली अपनी आईज़ पर, क्योंकि जब बहुत देर तक मोबाइल पर काम करने से या एज़ यूजली कभी कभार हमारी आँखों में थोड़ा सा टायर्डनेस फील होता है, तो हम अगर अपनी आँखों पे बादाम के तेल से मसाज, एक अच्छे से मालिश लेते हैं हफ्ते में सिर्फ 1 बार, तो इससे हमें बहुत रिलैक्स फील होता है और आप फर्क खुद महसूस करेंगे। क्योंकि मैं इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ। गर्मियों में मैं आँखों में गुलाब जल यूज़ करती हूँ, और सर्दियों में मैं अपनी आँखों में, आँखों के अंदर नहीं, आँखों के बाहर फेस मसाज लाइक दिस। तो गाइस, विंटर्स में आपको बादाम के तेल से अपने फेस की मालिश करनी चाहिए विद सॉफ्ट हैंड्स। बहुत हल्का सा प्रेशर देना है अपनी फेस की स्किन को, और सॉफ्ट हैंड्स जेंटली हम ऑल ओवर आवर फेस जो है वो अप्लाई करेंगे, आईलिड्स, चिन, चेक्स, नोज, फोरहेड, ऑल ओवर द स्किन एरिया वी अप्लाई। मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पीड मूव कर दिया, जैसे आप मसाज करते हो वैसे ही आपको हल्के हाथों से अपवर्ड मोशन में मालिश करनी है अपने फेस की। आँखों की मालिश में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा आँखों की मालिश नहीं करनी है, तो बस हल्के हाथों से एक दो टैप करना है। हमने आईलिड्स पे जो बादाम का तेल लगाया है सिर्फ उसको हल्का सा प्रेशर देंगे हाथों से, जैसे कि हम आँखों को दबाते हैं बिल्कुल वैसे ही, और थोड़ा सा आँख के नीचे अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से हल्का सा एक दो बार मसाज करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं कैसे मसाज कर रही हूँ, क्या टेक्निक है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और फिर आँखों को छोड़कर आँखों के आसपास एरिया को, लाइक आईब्रो का जो सेंटर पॉइंट है जो बीच में, वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आईज़ के कॉर्नर एरिया पर, नोज़ पर, तो उससे जो है आँखों पर प्रेशर पड़ेगा और
हमारी आंखों को, हमारी आंखों की अच्छी मालिश होगी। आंखों की मालिश के लिए मैं बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि मैं हमेशा हाथ धुलकर साफ हाथ से अपनी आंखों को टच करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मिर्ची वगैरह टच किए रहते हैं और वैसे ही अपनी आँखों को टच कर देते हैं, उससे हमें फिर जलन होने लगती है आँखों में, तो ये चीज़ ना करें। और बहुत ही सॉफ्ट हैंड से आँखों पे बहुत प्रेशर नहीं देना, क्योंकि इससे आपको फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद आप अपनी आँखें खोलेंगे तो आपको हल्का सा धुंधला दिखेगा, क्योंकि वे जो ऑयल की वजह से, तो आप उसको पोछिएगा नहीं, क्योंकि ये ऑयल अप्लाई करने के बाद आपको सो जाना है। फिर आपको मोबाइल नहीं यूज़ करना या कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आँखों पर प्रेशर पड़े। आँखों को जस्ट रिलैक्स छोड़ करके आप सो जाइए, और सेकेंड डे आप अपनी आँखें जो है, आपको अपनी आँखें, आप अपनी आँखों से जो कुछ भी देखेंगे वो फ्रेश दिखाई देगा।